नागरिक, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका रा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए कोटा से बड़ी खबर है। दो महिला वकीलों के बीच झगड़ा मामले से जुड़ी है बड़ी खबर और मामले में आपको अपडेट बताते चले पैसे के लेन देन को लेकर बताया जा रहा है कि ये झगड़ा हुआ आज कोर्ट परिसर में, ये विवाद और टकराव हुआ जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अभिभाषक परिषद ने दोनों अधिवक्ताओं को निष्कासित कर दिया है, अनिश्चित काल के लिए सदस्यता से निष्कासन के आदेश जारी किए गए। कोर्ट में तलवार लेकर महिला वकील पहुंची थी और इसके बाद जबरदस्त हंगामा हो गया। तलवार की बात से अभिभाषक परिषद ने हालांकि इनकार किया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर दो महिला वकीलों के बीच झगड़ा और मारपीट हो गई। इसके बाद दोनों महिला वकीलों को निष्कासित करने के आदेश दिए गए हैं कोर्ट की ओर से। तो कोर्ट परिसर में यह पूरा विवाद हुआ जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दो महिला वकीलों के बीच टकराव, अभिभाषक परिषद ने दोनों अधिवक्ताओं को निष्कासित करने का फैसला किया है, अनिश्चित काल के लिए सदस्यता से निष्कासित किया गया है। कोर्ट में महिला तलवार लेकर पहुंची थी महिला वकील और इसी को लेकर यह पूरा बवाल हो गया। हालांकि तलवार के बाद से अभिभाषक परिषद ने इनकार किया है, लेकिन इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए फैसला करते हुए अभिभाषक ने दोनों महिला वकीलों को निष्कासित कर दिया। इस दौरान जमकर वहां पर भारी भीड़ भी दिखाई दी। जब हंगामा हुआ तो लोग इस पूरी घटना को अपने मोबाइल में कैद करते हुए भी नजर आए। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ओडिशा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भुवनेश्वर में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ मुलाकात की और दोनों राज्यों में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ओडिशा के भुवनेश्वर से, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा से उनकी मुलाकात हुई, दोनों राज्यों में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई कि किस तरीके से दोनों राज्यों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जाए, कैसे विकास कार्य को तेज किया जाए, कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। तो लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। वहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करते हुए जनसभा के साथ ही रोड शो और रैलियां भी कर रहे हैं। इसी क्रम में वो ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा से मुलाकात की। और स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, केजरीवाल के पीए विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में विभव आरोपी हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। तस्वीर गिरफ्तारी के बाद की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर दिल्ली के सीएम आवास से उनकी गिरफ्तारी की गई। दिल्ली के सीएम आवास से गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस उन्हें लेकर आगे की प्रोसीजर में जुटी हुई है। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में चोट की पुष्टि हुई थी और इसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से एक्शन लिया गया। विभव कुमार से सिविल लाइन्स थाने में पूछताछ की जाएगी और माना यह जा रहा है कि अब विभव कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती है। फिलहाल उन्हें हिरासत में लिया गया है, जहां पर दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस में नया मोड़, स्वाति के बाद विभव कुमार के गंभीर आरोप। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी केस में दिलचस्प मोड़ आ गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए ने आरोप लगाया कि स्वाति ने जबरदस्ती और अनाधिकृत रूप से मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश किया। उन्होंने न केवल सीएम आवास की सुरक्षा में सेंध लगाई बल्कि हंगामा भी किया। इतना ही नहीं, केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल पर देख लेने की बात करने का आरोप भी लगाया। विभव कुमार ने पुलिस को जो ईमेल भेजा है उसमें लिखा गया है कि जब स्वाति से प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई तो उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। विभव कुमार के मुताबिक स्वाति ने कहा कि तुम्हारी औकात कैसे हुई एक एमपी को रोकने की, तुम्हारी औकात क्या है। इसके साथ ही विभव कुमार ने स्वाति पर देख लेने और झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। विभव कुमार की ईमेल के मुताबिक स्वाति ने कहा कि मैं तुझे देख लूंगी और मैं तुझे ऐसे झूठे केस में फंसाऊंगी कि तुझे जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा।
स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद विभव कुमार ने पुलिस को भेजे गए ईमेल में बदसलूकी केस में दिलचस्प मोड़ आ गया है, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए थे कि वो सीएम से मिलने गई थी, जिस पर विभव कुमार का आरोप है कि स्वाति ने जबरन सीएम हाउस में प्रवेश किया। स्वाति का आरोप है कि विभव ने उनके साथ मारपीट की, जबकि विभव का कहना है कि स्वाति ने सीएम हाउस में हंगामा किया। स्वाति मालीवाल का आरोप है कि विभव कुमार ने उन्हें थप्पड़ मारे, जबकि विभव का कहना है कि स्वाति ने उन्हें देख लेने और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। हालांकि अब विभव ने भी दिल्ली पुलिस को शिकायती ईमेल भेजा है, जिसके बाद जांच में नया मोड़ आ गया है। और कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा जमा रखा है, वहां की सड़कों पर अब आजादी के नारे गूंज रहे हैं। खाने को रोटी नहीं, चलने को सड़क नहीं, अंधेरे में जिंदा रहने के लिए बिजली नहीं है। विद्रोह की आग में पूरा गुलाम इस वक्त कश्मीर जल रहा है। सेना विद्रोहियों को बंदूकों से खामोश करने में भी नाकाम हो रही है। इस्लामाबाद से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पीओके पहुंचे, लेकिन जनता आजादी से कम कुछ भी कबूल करने को तैयार नहीं। अब सवाल है कि इस आलम में गुलाम कश्मीर पर कब तक कब्जा रख पाएगा पाकिस्तान। ये रिपोर्ट देखिए। याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भी पहना देंगे। कि भाई कश्मीर भारत का है, रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विद्रोह चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आवाम सड़कों पर है। पाकिस्तान के सौतेले रवैये की शिकार सालों से दबा गुस्सा अब खून खराबे की शक्ल अख्तियार कर चुका है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पहुंचे, जनता से अमन की अपील की, लेकिन इसका रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। उल्टे हजारों की तादाद में लोग घरों से निकल सड़कों पर आजादी के नारे लगाते दिखे। पीओके के समाहनी, सेहंसा, मीरपुर, रावलपुर, खोईरट्टा, तत्तापानी और हट्टियनवाला इलाकों में विद्रोह चरम पर है। मुजफ्फराबाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और फायरिंग भी की। पीओके के लोगों का विद्रोह क्यों आग की तरह धधक रहा है, तीन पॉइंट्स में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे इसका हल, कैसे पीओके का परमानेंट विलय हिंदुस्तान में करने से होगा। विद्रोह की पहली वजह महंगाई। लोग 200 रुपए लीटर से भी महंगा दूध खरीद कर पी रहे हैं, जबकि एक किलो आटा खरीदने के लिए 800 पाकिस्तानी रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। एक किलो चावल 200 रुपए से 450 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। विद्रोह की दूसरी वजह, सालों से पीओके के प्रति पाकिस्तान का सौतेला व्यवहार। पीओके में पैदा हो रही बिजली की सप्लाई के सहारे पूरा पाकिस्तान चलता है, लेकिन खुद पीओके में बिजली पर टैक्स कमर तोड़ बोझ की तरह हुकूमत ने बढ़ा दिया है। विद्रोह की तीसरी वजह, वो ऐतिहासिक कारण जिसके तहत पीओके की आवाम पाकिस्तान को अपना वतन नहीं मानती। आजादी के बुलंद होते नारों को दशकों से पाकिस्तान की फौज तोप और बंदूक के दम पर दबाए हुए है, लेकिन जुल्मों सितम की अब पीओके में इंतहा हो गई है। गरीबी और जहालत में जीने को मजबूर जनता अब इस्लामाबाद के थोपे फैसले के खिलाफ जंग पर उतारू दिख रही है। पीओके में इस वक्त अराजकता ने डेरा जमा लिया है। जिधर नजर जाती है पुलिस पब्लिक के बीच घमासान छिड़ा है। सवाल है, कब तक पीओके की जनता सहती रहेगी पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी फौज का अत्याचार? कब तक बना रहेगा पीओके पाकिस्तानी फौज के पाले आतंकियों का अड्डा?
इस सवाल का जवाब है पीओके का भारत में विलय होने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यही कह रहे हैं कि पीओके हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे, लेकिन कैसे इसकी संभावित प्लानिंग आपको दिखाएंगे। उसके पहले जो पीओके पाकिस्तान से छीन लेने में खौफ का अनुभव करते हैं, उन्हें पीएम मोदी का दिया जवाब सुन लीजिए। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़िया नहीं पहनी है, अरे भी पहना देंगे। अपनी रैलियों में बारंबार गृह मंत्री अमित शाह भी यही बात दोहरा रहे हैं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको वापिस लेकर रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं। लेकिन ये कैसे संभव हो पाएगा कि पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में भी हिंदुस्तान का तिरंगा लहराता नजर आए। पहला विकल्प, पीओके में हिंदुस्तान का डायरेक्ट आर्मी एक्शन, हिंदुस्तान की फौज सीधा गुलाम पाकिस्तान में घुसे और पाकिस्तानी फौज का सीना चीरती हुई पीओके पर कब्जा कर ले। हालांकि वर्तमान विश्व व्यवस्था में डायरेक्ट एक्शन के पहले सारे विकल्पों को आजमा लिया जाना जरूरी है। दूसरा विकल्प, संयुक्त राष्ट्र में हिंदुस्तान पाकिस्तान पर पीओके छोड़ने का दबाव बनाए। तीसरा विकल्प, पीओके की जनता खुद ही हिंदुस्तानी तिरंगा लेकर खुद को आजाद घोषित करे और हिंदुस्तान की आर्मी पीओके में विद्रोही आवाम को साथ देने उतरे। आज ना कल ये संभव है, लेकिन इसके लिए हिंदुस्तान को बड़ी तैयारी करनी होगी। अब यहाँ ये देखना बहुत जरूरी है कि पीओके भारत में शामिल होता है तो कितने फायदे हैं। पहला फायदा, सीमा पार से आने वाले आतंकवादियों का खात्मा। पीओके में पाकिस्तान ने आतंकियों के सैकड़ों लॉन्च पैड बना रखे हैं, यहीं से पाकिस्तान हिंदुस्तान की सीमा में घुसपैठ कराता है। दूसरा फायदा, एंटी इंडिया पाकिस्तान, चीन, तालिबान धोरी पर लगा, पीओके पर भारत के कब्जे से मध्य पूर्व एशिया से दूरी सिमट जाएगी, चीन रणनीतिक रूप से कमजोर होगा। तीसरा फायदा, गिलगित बाल्टिस्तान के जरिए चीन अपने कासगर से ग्वादर बंदरगाह को कनेक्ट करना चाहता है। चीन के वन बेल्ट वन रोड के जरिए साम्राज्यवाद की मानसिकता के फैलाव पर रोक लगेगी। चौथा फायदा, पीओके के गैस और तेल का रिसोर्सेज पर अधिकार। पीओके प्राकृतिक संसाधनों से लैस है, कब्जे की सूरत में भारत की आर्थिक शक्ति में इससे इजाफा होगा। पांचवा फायदा, पर्यटन में भारी बढ़ोतरी। पीओके दुनिया के सबसे शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है, लेकिन ये फायदे तभी हो सकते हैं जब भारत के पास उस स्तर का ग्लोबल सपोर्ट हो। आर्मी एक्शन के लिए जरूरी है अफगानिस्तान में प्रो इंडिया सरकार हो और संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों में अमेरिका जैसे देश भारत के साथ खड़े हो। ये होना नामुमकिन नहीं है, लेकिन एक झटके में कर पाना मुश्किल है। 2019 के बाद बदलती परिस्थिति और पीओके में रोजाना विद्रोह की धधकती आग भारत के लिए मुफीद है। और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन किया। विरासत टैक्स पर राहुल गांधी के समर्थन में दिखे पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी पीएम मोदी की तारीफ से बौखला गए और राहुल गांधी के समर्थन में उन्होंने ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला, वहीं पाकिस्तान की लूट नीति पर भारत ने हमला बोला है। पीओके पर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है कि पीओके में संसाधनों की लूट की पाकिस्तान की नीति का नतीजा है। देखिए रिपोर्ट। भारत में चुनाव, पाकिस्तान में तनाव। राहुल के समर्थन में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के ट्वीट पर भारत में घमासान। ।2024 के सियासी रण में सियासी दल खूब जोर आजमाइश कर रहे हैं। इन चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है और पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने एक बार फिर से राहुल गांधी का समर्थन किया है।
फवाद चौधरी विरासत टैक्स के समर्थन में दिखे। दरअसल भारतीय मूल के अमेरिका के चर्चित लेखक सदानंद धुमे ने पीएम की तारीफ की और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने अपना ट्वीट अमीरी और गरीबी के संदर्भ में लिखा। सदानंद धुमे के ट्वीट से फवाद चौधरी बौखलाते नजर आए। फवाद चौधरी ने लिखा कि संभव है कि सेठों का लालच असीमित है, वो हमेशा ज्यादा चाहते हैं, इसलिए असमानता बढ़ती ही जाती है। राहुल गांधी सही हैं, जब वो संपत्तियों को उचित वितरण की बात करते हैं, ये सिर्फ नियामक ढांचे के जरिए ही संभव है। यहाँ आपको बताएं कि हाल ही में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिका में विरासत टैक्स पर चर्चा की थी, जिसके बाद देश में सियासी घमासान मच गया था। फवाद चौधरी की ट्वीट के बाद एक बार फिर से बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। पाकिस्तानातनं राहुल गांधी करता ट्वीट केलं जातं, केजरीवालां करता ट्वीट केलं जातं। फवाद चौधरी जिस तरह से राहुल गांधी का बारंबार समर्थन कर रहा है, उससे ज्ञात होता है कि किस तरह से भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, पाकिस्तानी सारे के सारे जो है वो कांग्रेसी जो व्यवस्था की मवाद थी उसका समर्थन करते हैं। की लूट नीति, पीओके में बवाल, भारत का पाकिस्तान पर निशाना। उधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आजादी की आग धधक रही है, पीओके हिंसा की आग में जल रहा है, वहां आजादी की मांग हो रही है। इस पूरे मामले पर भारत की भी नजर है। पीओके में विरोध प्रदर्शन मामले पर भारत सरकार ने पाकिस्तान पर हमला बोला और पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया। विदेश मंत्री संस्कार की धरती है और वो एक राष्ट्रवाद को लेकर के चलने वाली धरती है। यह मुझे पता है कि आप राष्ट्रवाद में विश्वास करते हुए सभी जगह जहां हैं वहां आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यहां भी मैं देख रहा हूं उड़ीसा में, जहां जहां मैं गया हूं हमारे राजस्थानी प्रवासी भाई हैं, सभी पूरी तरह से राष्ट्रवाद के साथ हैं, हमेशा आप रहते हैं। लेकिन इस बार मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी राजस्थान के प्रवासी बंधुओं से लोगों की अपेक्षा बहुत है, क्योंकि आप यहां कोई 150 वर्ष से, कोई 100 वर्ष से, कोई 80 वर्ष से, 50 वर्ष से लगातार आप यहां रह रहे हैं। यहां लोगों के साथ उनके सुख में, दुख में, सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। आप जो कहते हैं लोग उसका विश्वास भी करते हैं। मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि अब जिस तरह से 2014 के बाद देश के सुशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो परिवर्तन हुआ है, और ये परिवर्तन आप देख रहे हैं, लोगों को बता सकते हैं, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे हमारे सीमाओं की सुरक्षा हो, चाहे देश में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद से मुक्ति हो, हम एक उस पायदान पे हैं तो दुनिया में लोगों, दुनिया के जो देश हैं, दुनिया के जो लोग हैं वो भारत पर विश्वास भी कर रहे हैं और भारत का गौरव भी बढ़ा है। तो मेरा आग्रह आप सभी से है कि यहां उड़ीसा में आपने देखा होगा 50 साल कांग्रेस ने राज किया है, लेकिन वो गरीब, वो मजदूर, वो महिला, वो युवा आज भी उसकी वही स्थिति है। 25 साल इस बीजेडी को हुए, बीजेडी ने भी वही स्थिति बना रखी है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, उड़ीसा प्रदेश की देश में भागीदारी ऐसी हो। दुनिया के देश भारत में विश्वास कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व पर देश को भरोसा है, लगातार पीएम मोदी देश के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं।
तो कुछ दिनों पहले ही न्यूज 18 राजस्थान ने आपको जयपुर के फैक्ट्रियों के खतरनाक केमिकल वाले नालों के पानी से सींची जा रही सब्जियों से सावधान किया था। आज हम आपको उन मंडियों में लेकर चलेंगे, ठेलों पर बिकने वाले फलों का सच भी आपके सामने लाएंगे, जिन्हें मीठे ताजा समझकर आप परिवार समेत खा रहे हैं। इन फलों को जहरीले केमिकल से पकाया जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। फल बनती जा रही जानलेवा। मोस्टली तो किए जाते हैं, लेकिन अब करें तो करें क्या। फलों के पकाने के तरीके पर उठते सवाल। तब केमिकल से पकता आगे से। केमिकल से पकाए जा रहे फल कैसे बनेगी सेहत। लोगों की मजबूरी है, कार्बाइड से पकता है तो आप बॉडी पे देखो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। साइड इफेक्ट इतने हो रहे हैं, उससे बीमारियां हो रही है, सब हो रही है। जिन फलों या सब्जियों को हम सेहत के लिए उपयोगी समझ करके खाते हैं, क्या वो हमारे लिए सेहतमंद है। ये सवाल इसलिए क्योंकि आजकल ज्यादातर फल केमिकल से पकाए जा रहे हैं। ऐसे में सेहत के लिए क्या सही है क्या नहीं, ये कैसे तय किया जाए। फलों को पकाने को लेकर के जिस तरह से अलग अलग तथ्य हैं वो सामने आए हैं, लेकिन फल विक्रेता जो हैं वो क्या कहते हैं और किस तरह से फलों को पकाया जाता है उसके मामले में इनका क्या कहना है, यही मैं बात करने के लिए आप लोग से आया हूँ। जो ये कहा जाता है कि आप लोग फलों को पकाने के लिए केमिकल का यूज़ करते हैं, तो क्या सही क्या गलत है इसमें। इसमें सही है गलत कुछ भी नहीं है, ये सदियों तो इसी से पकता आ रहा है, कार्बाइड से पकता है। केला एक दिन में काला हो जाता है, वो चैम्बरों से पहले कार्बाइड से पकता था, काला नहीं होता। अब केले का स्वाद देख लो और पहले केले का स्वाद देख लो। शुद्धता के लिए सरकार भी जनहित में अभियान चला रही है। इसी कड़ी में हालिया दिनों में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने राजस्थान की सबसे बड़ी फल मंडी मुहाना में बीते दिनों छापेमारी की, तो सच बेहद चौंकाने वाला था। यह फलों को आर्टिफिशियल केमिकल से पकाया जा रहा था। यहां बड़ी मात्रा में फल पकाने वाले केमिकल बरामद किए गए। केमिकल से फल पकाने वाले चार व्यापारियों के चालान भी किए गए। तौर पर जो इस समय गर्मियों का मौसम और आम की खरीदारी इस समय में खास तौर पर हो रही है, पके हुए फल कुदरती पके हुए लग रहे हैं आपको या फिर ऐसा लग रहा है कि केमिकल डाला हुआ है। केमिकल तो सब डल रहा है आजकल, तो आजकल काफी केमिकल डल रहा है। मजबूरी है, लेंगे भी कहां से, लेने पड़ेंगे इनके ऊपर लगा हुआ है। जांच में ये पता चला कि जिन केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है वो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम तहत अवैध है। कैल्शियम कार्बाइड की हर जगह बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। खबर पड़ रही कि आम खाने से एक आदमी हो गया, तो हमने इस बात को डेवलप किया, पूछा करा तो पता लगा कि मुहाना मंडी में ये जो फल हैं बहुत सारे फलों को इस तरह से आर्टिफिशियली पकाया जा रहा है, गैस के चैम्बर से बनाए, इथाइलिन गैस है, कैल्शियम कार्बाइड है और भी एक दो फ्रूट राइटनर हैं, फ्रूट मेट है, इन सबसे पकाया जा रहा था। बीते कुछ समय से आम जैसे फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड अब आसान सा उपाय हो गया है। इसी तरह भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण तो चेता चुका है कि आम जैसे फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत अवैध है। और केमिकल कौन सा वाला डालते हैं? चाइनीज पुड़िया आती है भैया, वेग लगाते हैं जो चाइनीज पुड़िया से पक जाएगा। कितनी देर में मान्यता है जिसको? अच्छा, कितनी देर में पक जाता है ये भाई? 3 से 4 दिन में पकता है भैया, 3-4 दिन में पक जाता है। खरीद रहे क्या करें, मंडी में आने पर थोड़ा क्या बाजार से सस्ता रेट मिल जाता है, इस वजह से खरीद रहे। केमिकल से फलों के पकाने का बेंजा इस्तेमाल खेती के अलावा कच्चे फलों को समय पहले पकाने और स्वादिष्ट बनाने में भी होने लगा है। लोग जाने अनजाने मंडी और बाजारों से हमेशा फल खरीद करके स्वाद तो चख लेते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता चलता कि कौन से फल केमिकल से पके हैं और कौन से नहीं। केला हो गया, पपीता और आम जो है, इनको इसी तरह से कार्बाइड के जरिए पकाते रहे हैं और आज से पहले ही ऐसा कई साल से चल रहा है। व्यापारियों की जो है एक अपनी समस्या है, उनका कहना कि उनके पास में और कोई विकल्प नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए प्रदेश हमारा। नमस्कार।